इंश्योरेंस क्लेम्स एक अच्छा चैप्टर। बेसिकली हमारे कोर्स में दो तरह की पॉलिसीज हैं जो कोर्स के अंदर, एक है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बेसिकली फायर पॉलिसी है कोर्स, आग बेटा किसी का मित्र नहीं होती, अगर बेकाबू हो जाए तो बड़ी खतरनाक होती, काबू में रहे तो खाना भी पका के दिया और बेकाबू हो जाए तो हमको भी पका देती। तो जब आग लगती है तो बड़े प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो आग लगने से एक तो सीधी सी बात है दुकान का स्टॉक ही जल जाता है, तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक कि दुकान का जब स्टॉक जल जाता है तो वो स्टॉक का कंपनसेशन हमको कैसे मिलता है। दूसरी का हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। वो ये होता है कि जब आग लग जाती है तो आपका बिजनेस भी तो डिसरप्ट हो जाता है। मान लो आप 6 महीने ढंग से बिजनेस नहीं कर पाए तो 6 महीने जो आप प्रॉफिट कमाते हैं वो नहीं कमा पाओगे ना, तो उसका कंपनसेशन भी इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो दो पॉलिसी हो गई, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जो हमने स्टडी कर ली। तो यहां मैंने बस यही बताया कि जब आग लगती है तो प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डे टू डे बिजनेस इफेक्ट हो जाता है, जब तक बिजनेस रीस्टैब्लिश नहीं हो पाता बिजनेसमैन परेशानियों से गुजरता रहता है। इसलिए बिजनेसमैन के लिए समझदारी है कि वो दो तरह की पॉलिसी ले ले, एक लॉस ऑफ फायर स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। अब दिमाग लगाओ, अगर आग जल गया, आग लग गई और आपके पास रिकॉर्ड सही सलामत है तो आपको पता ही चल जाएगा कितने का स्टॉक जला, आप अपना क्लेम ले लो, खत्म बात हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टोर रूम जलता है तो उसके रिकॉर्ड भी जल जाते हैं। ओहो हो, अब कैसे करें, अब कैसे पता लगा अभी स्टॉक कितने का जला। एक स्टाइल है इसका करने का, पहले थीम बनाओ दिमाग में, अगर मैं इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट अप टू फायर डेट तक बना लूं और उसमें सारी फिगर्स लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर नहीं आ जाएगा। मैं बारी बारी से चर्चा करता हूं हर आइटम, पहले कुछ मत देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को दिमाग में ले आओ, जिसे है ना मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम बसे, अपने रोम रोम में ट्रेडिंग अकाउंट बसा। इमेजिन करो आप इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से टिल डेट ऑफ फायर। हर फिगर बोलूंगा मैं, ध्यान से सोचो। सबसे पहली फिगर होगी टू ओपनिंग स्टॉक, ये फिगर हमें मिल जाएगी फाइनल अकाउंट से, लास्ट ईयर के फाइनल अकाउंट हमने तैयार कर रखे होंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब आग लगती है तो स्टोर रूम में स्टॉक रिकॉर्ड जल जाते हैं, क्या जल जाते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो अलग होता है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमें बता देगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक क्या था, वो इस ईयर का क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मिल गया। टू परचेजेस, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट बता देगा परचेज बुक से, परचेज अकाउंट से। टू वेजेस, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट बता देगा। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट बता देगा। बाय सेल्स, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट बता देगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं बता सकता क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का कोई अकाउंट बनता ही नहीं है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाए, यही तो हमें निकालना है। सब आइटम होगी, दो रह गई, बाय क्लोजिंग स्टॉक और टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाए तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम क्या सहायता लेते हैं, पिछले साल का ट्रेडिंग। तो स्टेप वन ये होता है कि हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उस ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स की परसेंटेज बनाते हैं। लेकिन जब पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, रिवाइज ट्रेडिंग, एक्चुअल ट्रेडिंग तो बना हुआ है, रिपीट तो पिछले साल का बना ही होगा, आप रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो जिसके अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम्स अलग कर देते, मतलब उसमें कुछ बताएगा क्वेश्चन के अंदर ये एबनॉर्मल आइटम्स है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल अलग कर दो ताकि आपको पिछले साल का नॉर्मल वाला ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाए और नॉर्मल वाली सेल्स पता चल जाए। तो पिछले साल का आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जिसमें आप दो या तीन कॉलम बना लो, तीन बनाना चाहते हो तो एक कॉलम तो टोटल का बना लो जो एक्चुअल हो गया, उस टोटल को बाइफरकेट कर दो कॉलम में, किसमें, नॉर्मल और एबनॉर्मल, और उसके बाद नॉर्मल वाला ग्रॉस प्रॉफिट को नॉर्मल वाली सेल्स का परसेंटेज बना लो। तो आपको पिछले साल का नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया, क्या मिल गया,
पिछले साल का नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो बच्चों पहला स्टेप होता है कि पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जिसमें एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट को बाइफरकेट करके नॉर्मल और एबनॉर्मल दो कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, और नॉर्मल वाले ग्रॉस प्रॉफिट को नॉर्मल वाली सेल्स का परसेंटेज बना के पिछले साल का नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। अब देश के अंदर आपको पता है इकॉनमी बढ़ती घटती रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस साल का एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो जो होना चाहिए। वो क्या होगा? पिछले साल का नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्लस माइनस ट्रेंड। मार्केट से पता चल जाता है कि इस बार माहौल अच्छा है तो ट्रेंड प्लस हो जाएगा, माहौल बुरा है तो ट्रेंड माइनस हो। तो इससे हमारे को इस साल का एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। तो इस साल का ही तो होगा, वो फायर इस साल लगी है, तो इस साल के मान लो साल शुरू होने के 7 महीने बाद फायर लगी, तो आपने 7 महीने का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो 7 महीने के ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 2 GP तो निकालना था। वो तो लास्ट ईयर की एक्चुअल है ना, लास्ट ईयर तेरे 12th में मार्क्स आए थे 80%, तो बीकॉम में भी 80 आएंगे, सीए में भी 80 आएंगे। ऐसा होता है आपके? ऐसा होता है मेरे यहाँ? आपके एक ट्रेंड नहीं होता? लास्ट ईयर मैंने 10 लाख रुपए कमाए थे, इस साल भी 10 कमाऊंगा? एक आदमी को अंदाजा नहीं लगता यार, इस साल सब लोग अपने ट्रेंड को लो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इस साल कमाई कम होगी। क्यों? इकोनॉमी स्लो है, इकोनॉमी तेज हो तो कमाई ज्यादा हो। तो राजे ट्रेंड तो पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में आपने, ट्रेंड एनालिसिस, कोई बात नहीं पढ़ लोगे आगे। ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऐसा लगा बेटा? तो पिछली बार के ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस माइनस ट्रेंड कर देते, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ट्रेंड प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, तो उससे आपको इस बार का एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप में आप इस बार का फिर बनाओ, करेंट ईयर का क्या बनाओ? ट्रेडिंग। उसमें भी अब नॉर्मल आइटम अलग कर दो, नॉर्मल अलग कर दो। सेल्स ये कहां से मिलेगी आपको? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये कहां से मिलेगी? 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 अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसके ऊपर आप जीपी निकाल लो, कौन से वाले रेशियो से? इस वाले रेशियो से जो आपने निकाला। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर नहीं आ जाएगा, और जो एबनॉर्मल आइटम होती है उसका प्रॉफिट और लॉस वो बता देगा। रिपीट, कि एबनॉर्मल सेल पे कितना प्रॉफिट है वो एक्चुअल लिख देना यहां पर। तो एबनॉर्मल वाले स्टॉक अगर कोई बचा होगा तो उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी। कैसे लगा बेटा? सही से बताओ, एक बार रिवाइज करो। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमने क्या निकाला? नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसको प्लस माइनस ट्रेंड करके क्या निकाला? इस साल का एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर बनाया, जिसमें सारी फिगर अकाउंट डिपार्टमेंट से मिलकर दो फिगर छोड़ गई, कौन सी? ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने निकाला हुआ, उससे हमने सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? बैलेंसिंग। ऐसा लगा बेटा? श्योर? अब आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू निकलाई वो नॉर्मली परचेज प्राइस ही ली जाती है। रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक की परचेज प्राइस आपको लेनी है, वो परचेज प्राइस आप यहां लिख दोगे, उसमें से स्क्रैप वैल्यू घटा दोगे तो आपका लॉस आ जाएगा। मान लो आपके पास स्टॉक बचता है 10 लाख का, ये कूड़ा जो जल के कूड़ा बच गया है वो 2 लाख का बिक जाएगा, तो आपका लॉस क्या हुआ? 8 लाख। अब अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख से ज्यादा की है, रिपीट, स्टॉक 10 लाख का चला है ना, और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख से ज्यादा की है, तो आपको 8 लाख रुपए का पूरा क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 10 लाख से कम की लिए तो आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम मिले। कैसा रखा? उसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज। क्या बोलते हैं? अब कॉमन सेंस देगा, तू तो इंटेलिजेंट बच्चा है, बता भी देगा। अगर तूने पॉलिसी 5 लाख की लिए, स्टॉक 10 लाख का, पॉलिसी 5 लाख की लिए, तो तेरे को क्लेम कितना मिलना चाहिए? 4 लाख मिलना चाहिए। जब पॉलिसी तूने आधे की ली है तो लॉस भी तो आधा ही देगी इंश्योरेंस कंपनी। नहीं, मेरी बात सुन, इसको क्या कहते हैं बेटे? एवरेज क्लॉज। इसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले से आंसर वही आएगा जो मैंने बोला। फॉर्मूला क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है? 5 लाख। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 10 लाख। लॉस
कितना है 8 लाख, मल्टीप्लाई करो 4 लाख आ गया ना। राजे कॉमन सेंस लगाओ ना, ये चीजें रटने की नहीं है, कॉमन सेंस की है। खुद सोचो 10 लाख का स्टॉक है और आपने इंश्योरेंस कराया हुआ 5 लाख का इंश्योरेंस, कराया बेवकूफ समझा, आधा स्टॉक इंश्योरेंस कराया हुआ है, आधा लॉस ले ले। कई बच्चे क्या सोचते हैं भाई 5 लाख का तो 5 लाख मिल जाएगा, पागल है, इंश्योरेंस कंपनी तो बेवकूफ है, वो एक ऐसे थोड़ी नहीं देगी, कहेगी भैया 10 के में 8 का लॉस है रिपीट, और तूने 5 की इंश्योरेंस कराई है तो 5 का प्रपोर्शन ले ले। नहीं समझ आए, बच्चे क्या सोचते हैं 8 लाख का लॉस हुआ पॉलिसी 5 की ना तो 5 पूरे मिल जाएंगे, पागल है, घास खाती है इंश्योरेंस कंपनी। नहीं मेरी बात सुन, वो कहेगी 10 लाख में 8 का नुकसान हुआ है रिपीट, और तुमने पॉलिसी 10 की नहीं ली है 5 की ली है, तो 5 का प्रोपोर्शनेट लॉस ले लो, कैसा लगे। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख या उससे ज्यादा की है तो आपको फुल अमाउंट, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं एवरेज क्लॉज। तो देखो यहां मैंने ये लिखा फर्स्ट पॉइंट, इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक देन यू गेट फुल लॉस एज क्लेम, एंड इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक देन यू हैव टू अप्लाई एवरेज क्लॉज टू फाइंड आउट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ क्लेम विच यू विल गेट। कैसा लगा पूरी गेम कितने स्टेप की होगी 5। नहीं समझ आया, थ्योरी बढ़िया समझाइए, एक बार फिर से सुन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। वैसे तो बनाने की आवश्यकता नहीं होती, अगर लास्ट ईयर में कोई भी अब नॉर्मल आइटम नहीं है ना तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल ही हो गया, उसका जीपी को सेल्स का परसेंटेज ना दो। पर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए एक दो आइटम क्या डाल देगा उल्टी से, तो आप उनको नॉर्मल अलग अब नॉर्मल अलग, फिर नॉर्मल वाले ग्रॉस प्रॉफिट को नॉर्मल वाली सेल्स का परसेंटेज बना लेना, आपको नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक्चुअल वाला लास्ट ईयर का मिल जाएगा, क्योंकि इकॉनमी में उतार चढ़ाव रहते तो प्लस माइनस ट्रेंड करके इस साल जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था आपको वो मिल जाएगा। बताया, फिर इस साल का ट्रेडिंग बनाओ अकाउंट अप टू डेट ऑफ 5, उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम अलग कर दो। नॉर्मल में सब डिप चीजें आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का जो अभी आपने परसेंटेज निकाली उससे निकाल लेना, तो नॉर्मल वाला क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एबनॉर्मल वाले के लिए क्वेश्चन ही बताएगा सब कुछ आपको, वो तो एबनॉर्मल है उसकी तो डिटेल अवेलेबल होगी, तो एबनॉर्मल वाले का क्लोजिंग स्टॉक तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाएगा। अब आपको दोनों स्टॉक मिल गए, कौन से, नॉर्मल वाला क्लोजिंग एबनॉर्मल वाला, दोनों की परचेज प्राइस देनी है। नॉर्मल की तो परचेज प्राइस होती है, कई बार अब नॉर्मल वाले की नहीं होती है, तो उसकी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगी, उसके हिसाब से दोनों की क्या ले लेना परचेज, जब तक क्वेश्चन खुद ना कहेगी कोई और प्राइस हो। प्रेफर किसको करोगे परचेज, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी तो परचेज प्राइस से चलेगी ना, गलत कह रहा तो बता दे तो। तो दोनों की परचेज प्राइस देखिए आप यहां लिख दो वैल्यू ऑफ स्टॉक, फिर जो जलने के बाद भी देखो आपको समझ होगी कूड़ा भी हमारे देश में बिकता है, वो माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ जाए। अब अगर आपके पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक या उससे ज्यादा के लिए हुई है तो पूरा क्लेम मिल जाएगा, लेकिन अगर कम के लिए है तो फिर एवरेज क्लॉज लगेगा, एवरेज में प्रोपोर्शनल मिलेगा। उसका फॉर्मूला क्या, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ स्टॉक इनटू लॉस, वो पैसे आपको मिल जाएंगे, खून में मिल गया। एक बार फिर से दोहराऊं, हाँ सबसे पहले लास्ट ईयर, ये 5 स्टेप्स फिक्स्ड है। अब मान लो उसने लास्ट ईयर का जीपी रेशियो दे दिया रिपीट, तो स्टेप 1 मिक्स हो जाएगी, कट जाएगा, सीधा स्टेप 2 पे आ जाओगे, फिर स्टेप 3 पे आ जाओगे, 4-5 पे देखो लगेंगे, अगर 4-5 भी दे देगा फिर हम डांस करेंगे। फर्स्ट मिस हो सकता है रिपीट, कई बार वो पिछली बार का दे देते और टेंड होता नहीं, तो सेकेंड में मिस हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन में 3-4-5 तो आपको करना ही है। बाकी मेरे दोस्तों सिंपल सी बात है, 5 स्टेप हैं, इसमें से जो एग्जामिनर दे देगा वो मत लगाना, बाकी लगा देंगे। कैसा लगा, मजा आ गया पूरा, फिर से दिखाई पूरी क्लियर है। लास्ट एक नजर मान लो, इसमें क्या किया हमने, लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर लास्ट ईयर का नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट